लाशों के ढेर पे चुनाव करो। चुनाव किस लिए होता है? लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना, लोगों की जिंदगी को बचाना, आगे ले जाना। इसलिए चुनाव होता है कि चुनाव होता है कि लाशों के ढेर पे चुनाव कराना चाहते हो, लोगों को मार करके चुनाव कराना चाहते हो। अब जो सुनने में आ रहा है, आप रैली करेंगे, ये लोग एक एक हफ्ता रैली करेंगे, इन चीजों को कौन सुधारेगा? आखिर इतनी जल्दबाजी है क्यों चुनाव की? कौन सा घबराहट है? क्या मुख्यमंत्री को डर सता रहा है कि राष्ट्रपति शासन में चुनाव ना हो जाए? बिहार मर रहा है, हाहाकार मचा रहा है, यह उनका रिपोर्ट है। एक तरह से वो कबूल कर रहा है बिहार में। तो क्या हो रहा है भाई, यहां चुनाव की तैयारी चल रही है। हम लोग सड़क पर हैं, महंगाई से मर रहे हैं लोग, बेरोजगारी से मर रहे हैं। बिहार में कोई कारखाने नहीं बने, कोई इंडस्ट्री नहीं आया, कोई निवेश नहीं आया। लॉ एंड ऑर्डर बद से बदतर है, गोलियों से पुलिस वालों का एनकाउंटर हो रहा है, लोगों को बेड नहीं मिल रहा, सही इलाज नहीं हो रहा, टेस्ट नहीं हो रहा। और आप जो है वर्चुअल रैली करेंगे, डिजिटल रैली करेंगे? कर रहे तो बताओ, आप कीजिएगा तो बताइए, ये इतनी रिक्त पदे क्यों हैं? सब नीति आयोग की रिपोर्ट में सबसे फिसड्डी बिहार क्यों है? हर एक मानकों में बिहार सबसे निचले स्थान पे क्यों है? आयुष्मान भारत में एक पैसा बिहार को नहीं मिल रहा, क्योंकि परफॉर्मेंस खराब है। 76% लोगों का कार्ड नहीं बना, क्या लाभ उठा पाएंगे इस योजना का? बताएं बीजेपी वाले लोग, बताएं। ये तो डबल इंजन की सरकार है, विकास की गंगा बहनी चाहिए। गरीब मजदूरों को गाली दे रहे हैं, गरीब भूखे मर रहा है, मजदूर भूखे मर रहा है, काम नहीं मिल रहा। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी हमको नहीं लगता, अगर केवल पटना जिला का ले लिया जाए तो पटना जिला में 2% लोगों को भी काम नहीं मिला होगा, जितने लोग बाहर से आए होंगे। ये चैलेंज है मेरा, उनके भी बाल बच्चे हैं। शिशुओं का टीकाकरण नहीं हो पाता, यानी 10% शिशुओं का टीकाकरण नहीं हो पाता। नीति आयोग ने नीतीश कुमार जी को चेहरा छुपा लेना चाहिए। नीति आयोग ने बिहार को एस्पिरेंट राज्यों में रखा है, कैटेगरी बनता है, हर राज्य का कैटेगरी है, परफॉर्मेंस के बेस पे, प्रदर्शन के आधार पर बिहार को उसमें एस्पिरेंट राज्यों में रखा है। एस्पिरेंट राज्यों में अगर जाएं तो जो लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, जो राज्य जो प्रदर्शन अच्छा नहीं कर पाते हैं, उनके लिए जो है एस्पिरेंट कैटेगरी में रखा जाना है, जिसमें कि बिहार को एस्पिरेंट कैटेगरी में रखा है। अब जाके नीतीश जी से पूछिए कि हम झूठ बोल रहे हैं और हम तो